पुरते हाथ में ले आयल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाय आजबा, अरे ही बुलडोजर बापे बाबा के नाजबा। यूपी की नेहा सिंह राठौर कानपुर में हुई अग्निकांड पर अपने गीतों से सवाल किया तो पुलिस को अखर गई। भोजपुरी भाषा में गाए गए गीतों के जरिए नेहा सिंह राठौर ने कानपुर की घटना को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़ा किया तो अब सियासी गलियारों में भी बमचक मचने लगा है। दरअसल यूपी पुलिस ने इस गाने को लेकर नेहा सिंह राठौर को धारा 160 के तहत नोटिस भेजे हैं, जिसमें पुलिस ने उनसे कई सवाल किए। साथ ही नोटिस में यह भी लिखा कि उनके गाने से समाज में वैमनस्य फैल रहा है। पुलिस ने कुल मिलाकर नेहा सिंह राठौर से 7 सवाल किया। ये पहला सवाल है जिसमें पुलिस ने पूछा, क्या वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं? यदि वीडियो में आप स्वयं हैं तो स्पष्ट करें कि क्या यह वीडियो आपके YouTube चैनल पर नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा सीजन 2 शीर्षक से तथा ट्विटर पर नेहा सिंह फॉक सिंगर पर अपनी स्वयं की ईमेल आईडी से अपलोड किया गया अथवा नहीं। तीसरा सवाल, क्या नेहा सिंह राठौर चैनल और ट्विटर अकाउंट @NehaFoxSinger आपके हैं या नहीं? यदि हैं तो क्या आपके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है या नहीं? चौथे सवाल में पुलिस ने पूछा है, वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा स्वयं लिखे गए हैं अथवा नहीं? यदि उक्त गीत आपके द्वारा स्वयं लिखा गया है तथा आप इसे प्रमाणित करती हैं अथवा नहीं? छठवें सवाल में पुलिस ने पूछा, यदि उक्त गीत किसी अन्य के द्वारा लिखा गया तो क्या आपके द्वारा लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित करवाया गया अथवा नहीं? सातवें सवाल में पुलिस ने लिखा, उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप भिग हैं अथवा नहीं? वहीं इस नोटिस के अंत में लिखा गया कि आपके यानी नेहा सिंह राठौर इस गीत के कारण समाज को वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, अतः आपसे उक्त वीडियो पर आपके द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है। उक्त नोटिस की प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आपका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो आपके विरुद्ध आईपीसी सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में न्यायोचित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यानी कि पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को पूरी तरह नापने की प्लानिंग कर ली है। हालांकि पुलिस इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि घर उजड़ जाने के बाद कथित रूप से अधिकारियों की तरफ से पीड़ितों के कपड़े उतरवाने से समाज में कितनी वैमनस्य फैली है। पुलिस इस वीडियो पर स्थिति साफ नहीं करेगी कि इस बयान से समाज में कितनी वैमनस्य फैल सकती है। यूपी पुलिस तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की बात कह रही है, हालांकि ये बताने में असमर्थ है कि उसी कानपुर में पुलिस की कस्टडी में व्यापारी बलवंत की मौत के बाद कितना तनाव फैला। बता तो ये भी नहीं पा रही कि पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने 2 महिलाएं अपने ही आशियाने में जिंदा जल गईं, उससे कितना तनाव फैला। हालांकि यूपी पुलिस की नोटिस पर लगातार सियासी बवाल बढ़ने लगा है। नेहा सिंह राठौर को मिले नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी पूरे एक्शन मोड में है। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटाधार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले साल चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा।